अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे कश्मीरी पुलाव। कश्मीरी पुलाव के लिए हमने 1 किलो चिकन लिया हुआ है, 1 किलो चावल लिया हुआ है, इसको 1 घंटे के लिए हमने सोख करके रख लिया हुआ है, 1/2 किलो हमने दही लिया हुआ है, 2 आलू हमने बीच में से काट के लिया हुआ है, 1 खाने का चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है, 1 बड़ी कप में हमने कुकिंग ऑयल लिया हुआ है, 4 बड़ी साइज की हमने प्याज काट के ली है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा, धनी के पत्ते लिया हुआ है हमने, और 3 हमने दालचीनी ली हुई है, 10-12 हमने लौंग लिया हुआ है, और 2 हमने हरी इलायची ली हुई, 1/2 टेबल स्पून हमने जायफल लिया हुआ है, और 1 खुशबू की गाड़ी हमने इसमें डालेंगे खुशबू के लिए। इन सब मसालों का हम पाउडर बनाएंगे। ये सब मसाले हम इसमें डाल देंगे। और काली मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे। इन सब का हम ग्राइंड करेंगे। हमारा बर्तन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेल डाल देंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। हम प्याज को इतना लाल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा गुलाबी करेंगे। हमारे प्याज गुलाबी हो चुकी है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन डालने के बाद हम 10 मिनट इसको चलाएंगे, इसको भी हम लाल नहीं करना है, बस इसकी भूख खत्म करनी है। हम इसके साथ जीरा डालेंगे। थोड़ा देर के बाद जीरे की खुशबू आने लगे, हम इसमें चिकन डालेंगे। जीरे की खुशबू आने लगी है, अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। हमने चिकन डालने के बाद इसको 5 मिनट अच्छे से भून लिया हुआ है। अब ये जो हमारा मसाला था, हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, अब इसको हम चिकन पर डाल देंगे। अब चाहे तो मिर्ची नमक देख कर डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमने 1/2 किलो जो दही लिया था वो डाल देंगे। इसके साथ ही हम आलू भी डाल देंगे। सबको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। दही में और मसाले में हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है, और चिकन में 1/2 लीटर पानी है, और मैं 1 किलो चावल ली हूँ। 1 किलो चावल के लिए 1.5 लीटर पानी डालूंगी मैं। ये लीटर है, ये लीटर का ये जग है, इसी में 1 लीटर पानी डालूंगी। कुल मिलाकर 1.5 लीटर हो गया। अब इसको उबाल लाने के बाद मैं इसमें चावल डाल दूंगी। हमने जो नमक बचा कर डाला था वो यखनी में डाल दिया, और हमारी यखनी उबाल आ चुकी है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। अब हम इसको ढक कर रखेंगे। हमारे कश्मीरी पुलाव को हम दम पे लगा देंगे। पानी भी अच्छे से खत्म हो चुका है, 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा देंगे, इसके बाद हम डिश आउट करेंगे। कश्मीरी पुलाव दम हो चुका है, और हमने डिश आउट भी कर लिया हुआ है। दही के रेते के साथ लीजिए। अगली रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।